कन्या बोले, इसी समय तुम रोज हमें मिल जाते हो, बीजेपी के कमल सरीखे आखिर क्यों खिल जाते हो? कन्या बोले, इसी समय तुम रोज हमें मिल जाते हो, बीजेपी के कमल सरीखे आखिर क्यों खिल जाते हो? यह बोले, तुम भी बतलाओ इसी समय क्यों आती हो और सपा की साइकिल जैसी इतना क्यों लहराती हो? और सपा की साइकिल जैसी इतना क्यों लहराती हो? कन्या बोली, छोड़ो मुझको, मैं तो बहन कुमारी हूँ। यह बोले, पहचान मुझे नारायण दत्त तिवारी हूँ। तो पंकज प्रसून जो दिखने में भी, चरित्र से भी, अपने क्रियाओं से भी, अपने नेतृत्व क्षमता से भी नारायण दत्त तिवारी के ही समकक्ष हैं, लेकिन ये जिंदा हैं। मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ आपके समक्ष। पंकज प्रसून के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हास्य में के बहुत अच्छे कवि और बहुत ही असाधारण कृतित्व और व्यक्तित्व इनका। आपकी तालियां पंकज प्रसून। आजकल अद्भुत दौर चल रहा है, आप सब ने देखा होगा कि बलिया और पेंशन वेलिया दोनों के एक साथ रिजल्ट आ रहे थे ना, अमेरिका में और बिहार में। बड़ा अद्भुत दृश्य था। हमारे मोदी जी ने फोन किया ट्रंप साहब को कि ट्रंप साहब क्या हुआ? वो बोले, हम शिकार हो गए। बोले, किस चीज का? वो बोले, सही मतगणना का। वैसे हमारे मोदी जी बहुत ही टैलेंटेड हैं। उन्होंने आज के 6 महीना, करीब 8 महीना पहले ही बहुत बड़ा आयोजन किया अहमदाबाद में और कह दिया था, नमस्ते ट्रंप। कमाल की बात है कि ट्रंप जिसे वेलकम फंक्शन समझ रहे थे, वास्तव में उनका फेयरवेल फंक्शन था। तो स्थितियां इसी तरह से बदलती रहती हैं और हम कभी इन स्थितियों से व्यंग निकालने की कोशिश करते हैं। किस तरह से पिछले कुछ महीनों में परिवर्तन आए देश में, आप सब ने देखा होगा। पहले कभी किसी को छींक आती थी तो चलता हुआ आदमी रुक जाता था, अब किसी को छींक आ जाए अगर तो रुके हुए आदमी के अंदर का मिल्खा सिंह जाग जाता है। इतना खतरनाक, मतलब कि मिसाइल से ज्यादा खतरनाक खांसी हो गई इस युग में ना। मिसाइल से नहीं डर लगता है भाई साहब, लोग कहते हैं आपकी खांसी से डर लगता है। तो किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं। अगर आप देखिए कि मास्क ने बड़ा जबरदस्त काम किया इस देश में, पसंद आएगा तो ताली बजाइएगा। मास्क ने क्या किया कि ऊंची नाक के गर्व और नीची नाक के शर्म को एक ही आवरण से ढक दिया। और मास्क ने एक और गजब का काम किया कि मास्क ने मुस्कुराहट और मनहूसियत को एक कर दिया। अब कोई मास्क लगाए हुए है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो दुखी है या सुखी है, बिल्कुल आप नहीं लगा सकते। और गालिब होते तो इस मास्क काल में क्या कहते कि हजारों मास्क की ख्वाहिश कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, यही कहते और क्या कहते। हजारों मास्क की ख्वाहिश की हर ख्वाहिश पे दम निकले, करूं जो क्लीन हाथों को तो साबुन हद से कम निकले। और सुना, जब से कोरोना तेरे मोहल्ले में है आया, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब क्या होगा, आप सोचिए कि प्रेमी प्रेमिका दोनों में बड़ा प्यार है, अमन अक्षर प्रेम के गीत लिखते हैं, और दोनों में बड़ा प्यार हो, बाद में पता चले कि प्रेमिका का मोहल्ला क्वारंटीन हो गया है, कितनी दिक्कत आई लोगों के सामने, मतलब कोई तरीका ही नहीं था। अब मजाज साहब क्या लिखते हैं, हमारे शहर के बड़े, हमारे लखनऊ के बड़े शायर थे, उनका बड़ा मशहूर शेर है, वो क्या लिखते कि तुझे आती है खांसी ये बता देती तो अच्छा था, तुझे आती है खांसी ये बता देती तो अच्छा था, मेरा तू आइसोलेशन करा देती तो अच्छा था, और तेरे चेहरे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन इसे कटवा के जो तू मास्क बनवाती तो अच्छा था। देखिए, हमारे बड़े मशहूर कवि हैं देश के, कुमार विश्वास साहब, अच्छा वो क्या लिख रहे होते है ना। हम लोग कवि सम्मेलन में पिछले दिनों टीवी के कार्यक्रम में साथ में थे, अमन अक्षर भी थे उनके साथ में, तो वो क्या लिखते कि कोई पाना समझता है कोई खोना समझता है, बचा रहता है वो जो हाथ का धोना समझता है। कोई पाना समझता है, अगली पंक्ति में उठाइएगा थोड़ा सा,
कि कोई पाना समझता है, कोई खोना समझता है, बचा रहता है वो जो हाथ का धोना समझता है। तुम उससे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, इसे हम दोनों से बेहतर ये कोरोना समझता है। दूरियों का महत्व कोरोना काल में ही पता चला। पास आना ही मोहब्बत नहीं होती है, दूर हो जाना भी मोहब्बत होती है। ये कोरोना काल ने हमें ये सिखा दिया है। तो बहुत सारी बातें हम लोग कोरोना काल की करते रहेंगे। हमारे मुकुल महान जी बैठे हुए हैं, ये बता रहे थे कि पंकज मुझे एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने कहा क्या? वो बोले जो क्वारंटाइन है ये वैलेंटाइन का अपोजिट है। मैंने कहा है कैसे? बोले कि देखो जो वैलेंटाइन होता है उसमें प्रेमी प्रेमिका पास में बैठते हैं, तो क्वारंटाइन होता है दूर दूर बैठते हैं, ना बैठते ही नहीं है कभी कभी। तो अद्भुत सेंस ऑफ ह्यूमर है मुकुल महान जी का। व्यंग के ये वो मशहूर कवि हैं जो ना सिर्फ मंच पर कविता पढ़ते हैं बल्कि अखबारों में कॉलम भी लिखते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखते हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे उसका भी मैं आपको किस्सा बता देता हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि ये इंटरव्यू में गए थे, सीए के वो नौकरी के लिए अप्लाई किया था, क्वालिफाई हो गए थे ये, तो इंटरव्यू के लिए इनको बुलाया गया था। तो वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले ने इनसे बड़ा आसान सा सवाल पूछा, सभी से पूछ रहा था और रिजेक्ट कर दे रहा था सबको। इनसे भी वही सवाल पूछा कि दो और दो कितने होते हैं, बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन इन्होंने उसको बहुत गंभीरता से लिया। पहले दरवाज़ा बंद किया, फिर खिड़की बंद की, खिड़की के ऊपर पर्दे चढ़ाए, उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले के कान में जाकर के बोले, ये बताइए करना कितना है। अच्छी ताली बजा दीजिए तो अच्छा लगे। और उसके तुरंत बाद इनका सिलेक्शन हो गया था। मैं आपको बता दूं कि अद्भुत प्रकृति प्रेमी भी हैं। ये हमसे बता रहे थे कि पंकज प्रसून भगवान जिनकी हम मूर्ति पूजा करते हैं वो नहीं है, भगवान है भासे गगन वासे वायु आसे अग्नि आसे अग्नि नासे नीर। कह रहे थे पांच तत्व हैं भूमि गगन वायु आकाश नीर, इन्हीं से मिलकर भगवान बना हुआ। लेकिन इनके घर में एक पाकड़ का पेड़ है, उस पर उल्लू बैठा करता था और उल्लू भाग नहीं रहा था। हमसे कहते थे पंकज प्रसून क्या बताऊं, ये उल्लू भाग नहीं रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा देखिए मुकुल महान जी, उल्लू कभी भागता नहीं है, वो जहाँ बैठ जाता है वहाँ बैठ जाता है, उल्लू अपनी जगह छोड़ता नहीं। आप परेशान ना होइए, उसको बैठने दीजिए। लेकिन ये बहुत परेशान थे कि यार बहुत दुर्भाग्य है कि सबके पेड़ों पे कोयल बैठती है, हमारे पाकड़ के पेड़ पे उल्लू बैठता है। उल्लू को इन्होंने भगाने की सारी कोशिशें करी लेकिन उल्लू को नहीं भगा पाए, तो इन्होंने समस्या ही जड़ से ख़त्म कर दी। इन्होंने क्या किया कि वो पेड़ ही कटवा दिया, और पेड़ कटवाने के बाद में उसकी लकड़ी से सोफा बनवाया, उसको ड्राइंग रूम में लगाया और जाके उस पर बैठ गए। तो हमारा कॉन्सेप्ट जब कोई चीज़ सैद्धांतिक रूप से डिसाइड ना हो पाए तो उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए, हमारा साइंस यही कहती है। तो हमने अच्छा फिर प्रैक्टिकल लगा दिया। अब आपके यहाँ भी एनिमल हाउस होगा, हमारे यहाँ भी एनिमल हाउस है, बहुत सारे चूहे उसमें हैं, चूहे और चूहिया दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। अच्छा, हम सारे लोग जो है चूहों पर ही रिसर्च करते हैं, उसमें भी सफ़ेद चूहों पर। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? हमने बहुत शोध किया इस पर तो पता चला कि वैज्ञानिक बड़ा देशभक्त किस्म का प्राणी होता है, वो देशभक्ति दिखाना चाहता है, लेकिन क्या करे, 1947 के बाद पैदा हुआ है, अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है तो उनके चूहों को बिगाड़ने का काम करता है, स्विस माइस। इसी पे ही होता है ना, हमारे वाले चूहे तो रिजल्ट ही नहीं देते हैं, बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। एक बार ताली वाली बजा दीजिए, अच्छा लगे। तो फिर वो डिसाइड हुआ चलो एक्सपेरिमेंट लगाएंगे। चूहा और चूहिया दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, हमने चूहे को चूहिया से अलग कर दिया और चूहे को लगातार 7 दिन तक भूखा रखा। 7 दिन के बाद हमने चूहे के सामने चूहिया रखी, बगल में मटर का दाना रखा। हमने कहा अगर प्रेम की भूख बड़ी होगी तो चूहिया की तरफ जाएगा, पेट की भूख बड़ी होगी तो मटर के दाने की तरफ जाएगा। अब चूहे ने चूहिया को देखा, मटर के दाने को देखा, फिर चूहिया को देखा और किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में वापस अपने केज में चला गया।
हमने फिर 7 दिन तक उस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया, उसे 7 दिन और भूखा रखा। अब की बार हमने चूहे के सामने चूहिया रखे, बगल में चने का दाना रखा, उसने चने के दाने को देखा, चूहिया को देखा, फिर अपने पिंजड़े में चला गया। लेकिन हम भारतीय साइंटिस्ट वो प्राणी हैं जो तब तक एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। हमने फिर 7 दिन तक एक्सपेरिमेंट को बढ़ा दिया, इस बार हमने चूहे के सामने चूहिया रखी, बगल में गेहूं का दाना रखा, चूहे ने गेहूं के दाने को खा लिया। हमने कहा देखिए मुकुल महान जी, सिद्ध हो गया ना कि पेट की भूख प्रेम के भूख से ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन हम अति उत्साह का शिकार हो गए, सारे एक्सपेरिमेंट हो चुका था, रिसर्च पेपर लिखा जाना बाकी था। हमने रिसर्च पेपर लिख दिया और हमने कंक्लूजन दे दिया उसमें कि पेट की भूख प्रेम के भूख से ज्यादा बड़ी होती है। हमने भेज दिया अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में। उधर से एडिटर का जो जवाब आया वो कमाल का था, उस पर आपकी तालियां उठे। एडिटर ने कहा रिसर्च जो करी आपने वो तो ठीक है, लेकिन पंकज प्रसून जी जिस तरह से आपने दाने बदले हैं अगर उस तरह से चूहिया बदलते। अच्छा लगा। तो इस तरह से रिसर्च होती है, हमने बहुत सारे आपको वाक्य सुनाए रिसर्च के। अच्छा ये प्रेम रेम तो हम लोगों से होता नहीं है, हम लोग हास्य व्यंग के कवि हैं कि वो आएगी फूल खिलेगी, वो आएगी फूल खिलेंगे ऐसा मैंने सोचा था, शॉपिंग का बिल देख फूल ने फिर बालों को नोचा था, उम्र हुई जब 70 तब लैला मजनू ने ये जाना, सब डीएनए का डिफेक्ट था, हार्मोन का लोचा था।